जी गो अहेड राय सर, गो अहेड प्लीज। सभी को नमस्कार, अरुण जी को, बोधी जी को, उर्मी और राजलक्ष्मी जी, सभी को प्रणाम। मैं अभी विगत में दीपावली पर संपन्न हुआ उसकी शुभकामना बधाई देते हुए, और आज बहुत ही महात्म का पर्व जो देश और विदेश सब जगह आजकल प्रचलित हो चुका है, छठ सूर्य षष्ठी व्रत की भी बधाई देते हुए। जी आप टीका देखिए, मेरा ये छठ का ही टीका है, आज सुबह ही खत्म किया मैंने पूजा। जी जी जय राम। आज का जो विषय है, नेपाल चीन पाकिस्तान, नेपाल पाकिस्तान और तिब्बत, इनको लेकर चीन के एग्रेसिवनेस। पहले तो इन तीनों क्षेत्रों की प्रकृति समझनी पड़ेगी। ये तीनों क्षेत्र जो है, नेपाल, तिब्बत और पाकिस्तान, भारत की संस्कृति से जुड़ा हुआ है, भारत की परंपरा से जुड़ा हुआ है और भारतीय जीवन मूल्यों से जुड़ा है। ये तीनों क्षेत्र ठीक है कि राज्यों के बीच में संबंध बनते और बिगड़ते रहते हैं, ये कोई आज की बात नहीं है। दुनिया में जब से राज्य व्यवस्था बनी होगी उस समय से विभिन्न राज्यों के बीच में संबंध कभी गर्मजोशी गर्माहट की भी होती है और कभी खटास की भी होती है, परंतु उसके कारण उस क्षेत्र में रहने वाले जो लोग हैं, जिनकी संस्कृति है, जिनकी जीवन पद्धति है, जिनकी परंपराएं, वो डाइल्यूट नहीं होती, वो संबंध उसी तरह रहते हैं। और जब इन मूल्यों के आधार पर जब हम विवेचना करेंगे तो उसमें से हम कहीं ना कहीं इसका रास्ता भी निकाल सकते हैं। राज्यों के संबंध के आधार पर जब भी विवेचना करेंगे तो रास्ता थोड़ा सा दुरू दिखाई पड़ेगा, ठीक है, कि अंततः परिणाम और एक्टिविटी करने वाले राज्य ही होते हैं, परंतु पीपुल्स टू पीपुल संबंध जो है वही संबंधों को प्रगाढ़ बनाता है। मैं पहले नेपाल के विषय में बात करूंगा। नेपाल कभी जो आज का नेपाल है, मौर्य का, गुप्त वंश का, लिच्छवी का और मलों का शासन था। उसके बाद से चालुक्य वंश, सिमरौनगढ़ का भी शासन हो रहा है। फिर परिस्थितियां बदली होंगी और गोरखा राजसत्ता वहां पर कायम हुई। पृथ्वीनारायण शाह के प्राकर्म से, उनके बहुमुखी व्यक्तित्व से गोरखा राजसत्ता कायम हुई और उसी के साथ वह नेपाल शब्द से अभिभूषित भी हुआ। अंग्रेजी पीरियड में भी नेपाल अपने को, अपनी स्वतंत्रता को अक्षुण रखा। उसके बाद के कालखंड में अनेक उतार चढ़ाव भारत नेपाल के संबंधों में आए। अंत में 1950 की एक संधि भी है और उस संधि के माध्यम से भारत की राजसत्ता और नेपाल की राजसत्ता के संबंध परिभाषित हुए हैं। लोकसत्ता का संबंध नहीं परिभाषित हुआ,
लोक सत्ता का संबंध जो पहले था वह आज भी है। नेपाल और भारत के लोग एक दूसरे के व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे से नाते रिश्ते से जुड़े हुए हैं। इसलिए हम कहते हैं बार बार कि नेपाल भारत का संबंध बेटी रोटी का है। बेटी रोटी शब्द जब ही प्रयोग करते हैं ये लगता है कि ये एक दूसरे के व्यवसाय से जुड़े हुए, एक दूसरे के नाते रिश्ते से जुड़े हुए। इस बीच में चीन जो एक प्रभावी शक्ति के रूप में एशिया के अंदर उसका उदय हो रहा है, और चीन जो मूलतः चीन की दीवार के अंदर का था, वो दीवार को लांग कर चीन चीन की दीवार से बाहर की शक्ति के रूप में उभरा। नहीं तो मूलतः चीन चीन की दीवार के अंदर का है, चीन की दीवार के उस तरफ ही है। उसके बाद से जो भी उसके हिस्से रहे, वो मंगोलिया का हो, मंचूरिया का हो, जीजियांग का हो, तिब्बत का हो, ये उसकी विस्तारवादी नीति का प्रतिफल है। इस विस्तारवादी नीति को आगे बढ़ाते हुए चीन का एक सपना है, एक सपना था, शायद आज वो सपना अब चित्रित तो होते हुए नहीं दिखाई पड़ा है और न होगा। जिस समय चीन ने तिब्बत पर कब्जा किया, उसका यही सपना था कि ड्रैगन अपनी पांच अंगुलियां बाहर निकाले हुए है और पांचों अंगुलियां पांच स्टेट को शो करती थी, लद्दाख, नेपाल, सिक्किम, अरुणाचल, इस तरह क्षेत्रों को वो शो कर रही थी। परंतु एक वो समय रहा होगा जिस समय चीन की इतनी महत्वाकांक्षा विस्तारवादी अपेक्षाएं बनी थी, परंतु आज उसका बड़ा कड़ा जवाब मिल रहा है। चीन को भी दिखाई पड़ा कि यदि एशिया के अंदर हमें स्वच्छंद यदि अपनी प्रभुसत्ता स्थापित करनी है तो भारत को घेरना होगा, और उसने चारों तरफ से भारत को घेरना भी शुरू किया। ओबीओआर के माध्यम से उसने भारत को घेरा, कहीं उसने हेमन टोटा को अपने अधिकार में किया, कहीं ग्वादर को अपने अधिकार में किया, इस तरह से कई स्टेटों के बंदरगाहों को अपने हाथ में ले एक सामरिक शक्ति का परिचय दिया, एक वैश्विक सामरिक शक्ति के रूप में खड़ा होने का। भारत की भी आज की राजनीतिक परिस्थितियां बदल चुकी है। आज बड़े गौरव के साथ हम सभी कहते हैं कि अब ये नया भारत है। इन सारी परिस्थितियों के अंदर भी भारत ने उन चुनौतियों को स्वीकार करके जो आगे बढ़ा है, शायद ये चीन के लिए बड़ी अब मुश्किल का समय है। जहां तक नेपाल का संबंध है, और भारत और नेपाल का संबंध, भारत नेपाल और चीन का संबंध, भारत और नेपाल की 98% सीमा अस्पष्ट है, चिन्हित है, 2% सीमा विवाद नहीं है, अस्पष्टता के कारण कहीं नदियों का बहाव है, कुछ के कारण यह है, वो भी आपसी बातचीत के सहारे सुलझ जाने वाले। परंतु नेपाल चीन की सीमा जिस समय नेपाल अपनी नई राजनीतिक व्यवस्था में प्रवेश किया, लोकतांत्रिक पंचायती राज व्यवस्था में 2007 विक्रमी में, उसी समय से नेपाल की चिंताएं
नेपाल चीन सीमा को लेकर खड़ी हुई। 1961 में ज्ञान ब्रांग श्रृंखला लाप्से कोलांग पाही के सामने विवाद आया, जैसे समतली इलाके में सीमाओं को विभाजित करने के लिए पिलर लगाए जाते हैं, वैसे ही पहाड़ी इलाकों में सीमाओं को स्पष्टता के लिए माउंटेन के ऊपर, पहाड़ के ऊपर एक चिन्हित किया जाता है, उसको टिप्पा कहते हैं। कि टिप्पा नंबर 5370 मिल नहीं रहा है। इस चिंता को लेकर नेपाल का जो सर्वे विभाग था, इस चिंता को व्यक्त किया और 1961 में नेपाल चीन सीमा के लिए एक समिति बनी, नेपाल चीन सीमाना समिति। और वे इस पर काम करना शुरू की कि नेपाल चीन के बीच की सीमा स्पष्ट हो। खोजते खोजते वो मिला, पता चला कि ये टिप्पा जो है चीन के अधीन चला गया है पूरा इलाका, और चीन उस अंकित टिप्पा को मिटाकर रख लिया है। नेपाल के सर्वेक्षण विभाग ने इसकी रिपोर्ट भी की, वार्ताएं भी चलती रही। फिर दोबारा 1988 में दूसरी नेपाल चीन सीमाना समिति बनी। और यही नहीं, 2008 में जब माओवादियों की सत्ता आई, प्रचंड जिसके प्रधानमंत्री बने, उनके समय भी उस प्रधानमंत्री ने नेपाल चीन सीमाना समिति कायम करके नेपाल चीन की सीमाओं का स्पष्टता के लिए आगे बढ़े। एक लंबा विवाद है, नेपाल किसी एक जगह पर, चीन किसी एक जगह पर नेपाल की सीमा का अतिक्रमण नहीं किया है, पूरा दोलखा से लेके संखुआ सभा तक नेपाल की सीमा का अतिक्रमण चीन ने किया है। मुस्तांग का इलाका हो, मनांग का इलाका हो, गोरखा हो, धादिंग हो, पांच दोलखा का हो, हुमला का हो, सिंधुपाल चौक का हो, इन सारे इलाकों में चीन ने नेपाल की भूमि का अतिक्रमण किया है। भले ही आजकल मीडिया के कारण एक आध रिपोर्टें आ गई कि चीन ने लापचा में 9 भवन बना लिए हैं हुमला के, ये कोई बहुत नई बात नहीं है। हमें याद है कि 2000 के करीब, 2002 नेपाल के विदेश मंत्री हुआ करते थे महेंद्र पांडे, उस समय नेपाल के सेनाध्यक्ष भरत शमशेर राणा हुआ करते थे। महेंद्र पांडे ने एक स्पष्ट युक्ति संसद के अधीन, उस समय पंचायत की जो संसद थी उसके अंदर रखा कि हमारी व्यवस्था है, हम चीन सीमा पर स्थित नेपाली भूमि का संरक्षण नहीं कर सकते, यह हमारी अक्रम्यता है। जिसके कारण उस समय के तत्कालीन सेनाध्यक्ष बहुत रुष्ट हुए और महेंद्र पांडे को हटना पड़ा। इन सारे इलाकों में चीन छाए हुए था और ये तो एक ऐतिहासिक सत्य है। 1780 के करीब नेपाल और तिब्बत के बीच एक युद्ध हुआ है, दो, इसको भोट युद्ध कहते हैं, भोट युद्ध प्रथम, भोट युद्ध द्वितीय। 1791 के भोट युद्ध में थापा थली की, काठमांडू के अंदर थापा थली में समझौता भी हुआ। उस समझौते के अनुसार केरुंग और कुंती
ये दोनों इलाके नेपाल के इलाके घोषित हुए और युद्ध का हर जाना उस समय रणबहादुर शाह ने 50,000 रुपया उस समय तिब्बत से वसूल करने की बात की। परंतु आश्चर्य है कि आज नेपाल उस केरुम और कुंती को भूल चुका है जिसके लिए दो भोट नेपाल युद्ध हुए। ये कोई एक दिन की प्रक्रिया नहीं है भूलने की। जब महाराज महेंद्र नेपाल के उत्तराधिकार में आए उनको लगा कि हम अपने अस्तित्व को तभी प्रखर बना सकते हैं, कायम रख सकते हैं जब भारत के साथ बार्गेनिंग के लिए चीन से मैं संबंध रखूं। चीन के संबंधों को मैं कुछ इस तत्परता के साथ रखूं कि मैं भारत की बार्गेनिंग करूं। उस समय नेपाल के अंदर एक अलग तरह के वैचारिक लोग खड़े हुए जिसको उस समय कहा जाता था कि ये रॉयल कम्युनिस्ट है। नेपाल में चीन ने एक बुद्धिजीवियों का वर्ग खड़ा किया जिसको रॉयल कम्युनिस्ट कहा गया। रॉयल कम्युनिस्ट का इतना ही काम था, उस समय से लेकर आजकल कई उसके लोग हैं अभी भी, कोई बुद्धिमान श्रेष्ठ हैं, कुछ ऐसे ऐसे नाम है। जो भारत और नेपाल के बीच एक छोटी सी बात को बड़ी चिंगारी के रूप में उद्धृत करके यही कहना कि हमारा ये रिसर्च है और एक बड़ी चिंगारी के रूप में उद्धृत करना और उसको जन माध्यम में ले जाना। भारत के प्रति नेपाल के लोगों में एक हे दृष्टि का निर्माण करना, ये रॉयल कम्युनिस्टों का उसी समय से, रॉयल कम्युनिस्टों के बाद ही वहां से कम्युनिस्ट आंदोलन की शुरुआत हुई। तो महाराज महेंद्र की नीतियों के कारण दुष्परिणाम जो बना कि नेपाल अपने कुरुंग और कुंती को भी भूल गया और नेपाल छोटी छोटी बातों को लेकर अपनी व्यग्रता जताने लगा। दोलखा से और सखुआ सभा तक की सारी जमीनें, सारे इलाके को परिलक्षित कर लिया। ये चीन जो है नेपाल के अंदर प्रवेश कर गया। इसके कई कारण भी हैं। चीन की एक पॉलिसी है, चीन नेपाल में जो सहयोग करता है वो आधारभूत ढांचे के लिए, परियोजनाओं के लिए जो नेपाल में दिखाई पड़े, इस तरह की आधारभूत परियोजनाएं ढांचे जो नेपाल में दिखाई पड़े चीन इसके लिए सहयोग करता है नेपाल को। भारत जो है नेपाल को आर्थिक सहयोग करता है जो कहीं दिखाई नहीं पड़ता है, जन सामान्य में दिखाई देने वाली, पीपुल्स के बीच वो दिखाई देने वाली चीज नहीं है। आर्थिक से चीन इसका लाभ लेता है और इस तरह से एक एटमॉस्फेयर तैयार भारत के विरोध में करना और उसमें हमारे नेपाली कुछ लोग भी सम्मिलित हो जाते हैं जिसे लगता है कि नेपाल को चीन अपने अधिकार में लेने की हर, तिब्बत ही जैसी नेपाल की जमीन का उपभोग कर सकता है। यदि हम नहीं चाहते तो ये हो भी सकता है, कोई बड़ी अनहोनी नहीं है। एक समय में अभी नेपाल के अंदर एक बड़ी तेजी से बात चल रही है, वर्तमान प्रधानमंत्री ने कुछ परियोजनाओं पर, समझौतों पर हस्ताक्षर किया है नेपाल के प्रधानमंत्री ने। उन्होंने कहा कि कनेक्टिविटी के लिए मैं रेल कनेक्टिविटी चीन से लूंगा। बड़ी आश्चर्य की बात है, हंसी की भी बात है। उन्होंने बताया कि रेल कनेक्टिविटी जो है वो सिंगसे से काठमांडू जोड़ेंगे, तिब्बत के पास का एक इलाका है सिंगसे, उसे काठमांडू को जोड़ लेंगे।
और सिंह से जो है चीन के जो विभिन्न बंदरगाह हैं वो ताइजिन हो, शेंजेन हो, लियानयांग हो, झाजियांग हो, सिंह से उनसे जुड़ा हुआ है। तो हमारी कनेक्टिविटी जो है व्यापार की कनेक्टिविटी चीन के माध्यम से रेलवे के द्वारा हो जाएगी काठमांडू। नेपाल की आबादी 3 करोड़ है। नेपाल की आबादी का बहुत बड़ा भाग, नेपाल की भौगोलिक जो रचना है वो हिमाल, पहाड़ और तराई, 3 हिस्सों में। हिमाल की आबादी बहुत थोड़ी है, पहाड़ की आबादी कोई बहुत ज्यादा नहीं है, और सबसे बड़ी आबादी पहाड़ की महाभारत श्रृंखला से नीचे तराई की। तो पहाड़ और तराई ये दोनों की कनेक्टिविटी का सुगम रास्ता भारत ही है जो आज तक चल रहा है। भारत के कलकत्ता और हल्दिया इससे जुड़े हुए हैं जिनसे नेपाल के व्यापार चलता है। कहां लिंजियांग, झाजियांग, ये 3,000 किलोमीटर दूर, और उसको जो है 1500-1600 फीट ऊंची ऊंचाई पर सिंगते आना पड़ेगा। उस माल की ढुलाई कितनी भयानक होगी ये सोचने की बात। एक बार ऐसी ही 2006 में परिस्थितियां पैदा हुई थी किसी कारण, और नेपाल ने कुछ चीन से वस्तुओं का आयात किया, उसमें नमक थे, कुछ परिस्थितियां पैदा हो गई थी 2006 या उसके आसपास कुछ। तो उसने वो माओवादी जो इंसर्जेंसी चल रही थी तो भारतीय नाके सारे बंद थे, उन परिस्थितियों में नेपाल ने बहुत आवश्यक सामग्रियों की चीन से आयात किया। जो नमक ब्लैक होकर काठमांडू के अंदर भारत से जो नमक ब्लैक होकर चुकी चोरी छिपे जो जाता था, व्यापार बंद हो चुका था, सारे नाके माओवादियों ने बंद कर दिए थे, ध्वस्त कर दिए थे, व्यापारी अपनी सुरक्षा नहीं समझता था इसलिए सारा व्यापार बंद था। तो कुछ इलीगल काम करने वाले तो उस समय सक्रिय हो ही जाते हैं, उन्होंने सक्रियता अपनी दिखाई और नमक काठमांडू पहुंचा ही दिया। वो 10 रुपये का नमक काठमांडू में 50 से 60-70 रुपये बिकता था केजी, और वही नमक जब चीन के माध्यम से मुस्तांग आया तो 300 रुपये केजी बिकने लगा। अब सोच लीजिए कितनी महंगी ढुलाई है। इस प्रकार की जिस पर हंसी आ सकती है इस तरह की मूर्खता की बात, क्योंकि केपी ओली को अपने शासन में रहना है, चीन के कम्युनिस्ट पार्टी के सहयोग से रहना है, इस तरह की मूर्खता की बात उन्होंने किया। कनेक्टिविटी चाहिए नेपाल को, भारत भी देने के लिए तैयार है, रेलवे कनेक्टिविटी, इलेक्ट्रिक रेलवे कनेक्टिविटी रक्सौल से लेकर काठमांडू भारत करने ही वाला है। विकास चाहिए, व्यक्तियों के विकास चाहिए, व्यक्तियों की सब चीज चाहिए, क्षेत्र का विकास चाहिए, इसके लिए कनेक्टिविटी आवश्यक है। परंतु हमारी कनेक्टिविटी कैसी हो इस पर भी विचार करने चाहिए, कहीं हमारी कनेक्टिविटी हमारे ऊपर भारी न पड़ जाए, ये भी देखना चाहिए। एक समय 2009 में एक कोई लुम्बिनी कोई अथॉरिटी बनी थी विदेशों के अंदर, जिसमें विदेशी पूंजी 6 अरब डॉलर उसमें इन्वेस्ट किया गया था, और उसके माध्यम से लुम्बिनी का विकास, जिसके एक मेंबर उस समय के प्रधानमंत्री प्रचंड हुआ करते थे, मलेशिया के अंदर उस ट्रस्ट का निर्माण हुआ था, परंतु उसमें सारे मेंबर चाइनीज थे, चाइनीज मूल के थे, और एक चाइना का छद्म वो हथियार था लुम्बिनी अथॉरिटी करके।
लुम्बिनी ने लुम्बिनी के विकास के लिए, लुम्बिनी के कनेक्टिविटी के लिए कोई बात नहीं की। उसने बात क्या की कि लुम्बिनी का जो विकास करना है वो तराई क्षेत्रों के अंदर और नेपाल के अंदर मैंडारिन भाषा के कोर्स चलाने। उसको कहा गया चाइनीज स्टडी सेंटर कि हम 300 चाइनीज स्टडी सेंटर, 300 मैंडारिन भाषा के सेंटर खोलेंगे, अर्थात भाषाई रूप से नेपाल को पंगु बनाना, ये उनकी दृष्टि थी। आज वही हो रहा है, नेपाल के विद्यालयों में फ्री मैंडारिन सीखने की व्यवस्था की गई है, वर्तमान सरकार ने की है, जिसकी भाषा बदल जाएगी, जिसका कल्चर यदि बदलेगा तो वो मानसिक रूप से गुलाम बन जाएगा। आज यही प्रक्रिया नेपाल की चल रही है। अच्छे भी लोग हैं, इस बात को समझने वाले भी लोग हैं। आज अभी एक न्यूज में देख रहा था, आज बहुत भारी प्रदर्शन काठमांडू में हुआ है चाइनीज खिलाफ, नेपाली जोकों का प्रदर्शन हुआ है, शायद उनकी ध्यान इस तरफ गया है, दृष्टि उनकी खुली है कि हमारी भी हालत तिब्बत की तरह नहीं बन जाए, जिसका कल्चर समाप्त हो जाएगा, डेमोग्राफी समाप्त हो जाएगी। तिब्बत की क्या हाल है, तिब्बत का कल्चर समाप्त है तिब्बत के अंदर, चाहे आमदो हो, खाम हो, या तिब्बत का वो इलाका हो, इनमें तिब्बत का कल्चर नहीं रह गया। वो बौद्ध मठ की संस्कृति नहीं रह गई, पूरी डेमोग्राफी चेंज हो गई। आज तिब्बतियन 60 लाख से भी कम हो गए, 2 करोड़ की आबादी वहां हान की हो गई, डेमोग्राफी बदल गई। यही हालत आज पाकिस्तान की है, चीन ने पाकिस्तान के अंदर 60 बिलियन सीपेक और ग्वादर के लिए इन्वेस्ट किया, पाकिस्तान एक कहने में हमें कोई हर्ज नहीं है, एक भूखा नंगा देश है। वो 60 बिलियन डॉलर कहां से इस कर्ज को अदायगी करेगा? इस स्थिति में पाकिस्तान जो है अपनी जमीन को गिरवी उसको रखना पड़ेगा, अपनी डेमोग्राफी को परिवर्तित होने देखना पड़ेगा, दूसरे कल्चर को वहां पर प्रफुल्लित विकसित होते देखना पड़ेगा। अब वो भी यही रहा है। आज से 3 वर्ष पहले 4 वर्ष पहले इस्लामाबाद के अंदर हर एक व्यक्ति अपने मकान को किराएदार से खाली करा लिया, इसलिए खाली करा लिया कि हमारे यहां चाइनीज आएंगे वो हमको अधिक किराया देंगे। पाकिस्तान के आदमी को वहां पर किराया नहीं मिल रहा है, उससे खाली कराया जा रहा है, चाइनीज को किराया दिया जा रहा है। ये स्थिति गरीबी की हालत है। उस गरीबी की हालत में अपने अस्तित्व को, अपनी अस्मिता को कहां से सुरक्षित रखेगा? एक सामान्य से कहते हैं कि भूखा नंगा क्या न करता, मरता क्या न करता, तो वहां पर इस तरह की दयनीयता है, उस हालत में वो कुछ भी कर लेगा। आज 1.25 लाख से अधिक चाइनीज पीएलए मिलाकर, चाइनीज और पीएलए मिलाकर, चाइनीज जो वर्कर्स हैं जो कंपनियों के अंदर काम करने वाले और पीएलए मिलाकर 1.25 लाख से अधिक, 50,000 पीएलए है पाकिस्तान में। उस प्रोजेक्ट की सुरक्षा के लिए 50,000 पीएलए आज पाकिस्तान में मौजूद है। क्या एक प्रोजेक्ट की सुरक्षा के लिए दूसरे देश की सैनिक आए, ये सोवरनिटी पर आघात नहीं है क्या? पाकिस्तान की सोवरनिटी की सुरक्षा कहां पर?
उसकी चाइना की एक स्थिति है कि जो सीपेक उसने निर्माण किया उसको लगा कि इसके कारण हमारी कनेक्टिविटी बनेगी और हम अरब सागर से जुट जाएंगे सीधा। लगता है कुछ ज्यादा हम समय ले रहे हैं, थोड़ी देर में हम अपनी बात समाप्त कर रहे हैं। नहीं नहीं आप जो कह रहे हैं बहुत अत्यधिक हमारे दर्शकों को सुनने की आवश्यकता है। आप 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे जितना समय लीजिए, हमारे पास समय ही समय है, क्योंकि ये विस्फोटक स्थिति है इस समय नेपाल में। राजा साहब नेपाल के हैं तो इसलिए तो मेरा स्पेशल कनेक्शन है नेपाल के साथ। जी आप ना रुके, बिल्कुल ना रुकिए जी। तो जिस देश में दूसरे देश की 50,000 सैनिक बैठे हैं बिना पूर्वानुमति के, कोई पूर्वानुमति नहीं लिया, और जिसके एयरबेस पर दूसरा देश अपनी लड़ाकू विमान उतार ले, उसकी सुवर्णति को क्या हम कहेंगे? कोई पूर्वानुमति नहीं, और सुजान एयरबेस जो पाकिस्तान का है उस पर चाइना ने अभी कुछ दिन पहले अपने विमान को उतारा। ठीक है कि बाद में पाकिस्तान इस बात को स्वीकार कर लिया, कोई पूर्वानुमति नहीं थी। आज वो अपने को गिरवी बना चुका है, भूखा नंगा है, वो कहीं से दे नहीं सकता उस ऋण को। चीन तो ऋण देता है, कर्ज देता है, उसके बाद से चाहे वो किसी भी देश में, चाहे नैरोबी के अंदर किया हो, चाहे जिबूती के अंदर किया हो, चाहे कीनिया में किया, सभी देशों में वो एक ही काम करता है। पहले कर्ज देता है प्रोजेक्टों के लिए, कर्ज भी वैसा ही देता है कि कर्ज प्रोजेक्ट के लिए देता है, उसमें उसी के इंजीनियर रहेंगे, उसी के वर्कर रहेंगे, इसलिए कर्ज में जो रोजगार होगा वो चीन का होगा, उस देश का नहीं होगा। परंतु कर्ज की राशि तो उस देश पर चढ़ेगी, चाहे हेमन टोटा हो, श्रीलंका पर हेमन टोटा का कर्ज तो चढ़ गया, मनाया चाइनीज वर्कर ने आकर, चाइनीज मजदूर आकर, चाइनीज इंजीनियर आकर, और यहां तक कि मटेरियल भी चाइनीज। और एक नॉन बेनिफिट्स प्रोजेक्ट के रूप में हेवन टोटा साबित हुआ है। अभी तक 1.5 साल के पीरियड में हेवन टोटा के अंदर 1 दर्जन भी जहाजें आकर नहीं ठहरी हैं, परंतु कोलंबो को इतना बाधित होना पड़ा, इतना विवश होना पड़ा कि हेवन टोटा में चाइनीज कॉलोनी के लिए जगह देनी पड़ी। उसी तरह ग्वादर में चाइनीज कॉलोनी के लिए जगह देनी पड़ी। अब तो चीन यह भी कह रहा है कि हमें एक आध द्वीप दे दो पाकिस्तान को, वो अपनी सामरिक शक्ति अड्डे बनाएगा। अब पाकिस्तान लगता है कि भाई हम 60 बिलियन कर्ज में डूबे हुए हैं, कहां क्या करेंगे, हमको देना ही पड़ेगा। उसकी संप्रभुता खतरे में आ गई है, इसलिए पिछले माह पाकिस्तान के अंदर एक PIDA एक बिल आया, अध्यादेश आया, पाकिस्तान आइसलैंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, वहां के राष्ट्रपति ने इस अध्यादेश पर हस्ताक्षर किया, और ये कहा गया कि किसी भी प्रांत प्रोविंस के अंदर यदि इस तरह के द्वीप हैं, पाकिस्तान उसकी PIDA के अंदर वहां की केंद्र गवर्नमेंट उसको अधिग्रहित करेगी, और ये फिर हुआ कि उसका विकास करेगी। सपना दिखाया कि PIDA के अंदर बंडल और भूडो, ये दो द्वीप जो कराची के पास हैं, इसका हम विकास करेंगे।
इसलिए सिंध प्रदेश से ये दो द्वीपों का अधिग्रहित सेंट्रल गवर्नमेंट ने कर लिया वहां की। और ये कहते हो कि इस पर हम 60 बिलियन खर्चा करेंगे और सऊदी की तरह बनाएंगे। एक भूखा नंगा देश 60 बिलियन का प्रोजेक्ट लेकर आएगा, सोचने की बात है। एक ऐसा देश जहां स्टेबिलिटी नहीं है, पीस नहीं है, वहां पर कोई 60 बिलियन का इन्वेस्ट करेगा कोई बाहर से आकर? जहां हर एक दूर पर सभी लड़ाइयां चल रही हैं, संघर्ष चल रहा है, इंसर्जेंसी भी नहीं है, कॉन्फ्लिक्ट है। बलूचिस्तान अपनी लड़ाई लड़ रहा है, बलोच, उसको लगता है कि हमारी अस्मिता, हमारी पहचान पाकिस्तान के नाम पर गिरवी पड़ गई, अब इसको छुड़ाना है। यही हाल वजीरिस्तान पश्तूनों का है। जिस दिन पाकिस्तान बना, वजीरिस्तान की लड़ाई उसी दिन शुरू हो गई थी। बच्चा खान के नेतृत्व में चला, बीच में वो तो आंदोलन कभी तेज होते हैं कि आज वो बड़ी प्रखर है। उसी समय सिंध, जियो सिंध 1969 में जियो सिंध आंदोलन शुरू हो गया। सिंध को लगा कि हमारी अखंडता खतरे में आ गई है पाकिस्तान के नाम पर। हमारी एक पहचान थी, हमारी अस्मिता थी, हमारा संप्रभुत्व होना चाहिए, तो सिंध इसके लिए लड़ रहा। जहां इतनी अशांति हो वहां कोई इन्वेस्ट करेगा? और वही 60 बिलियन का। स्वाभाविक है कि चीन को जब लगा कि हम ग्वादर के कारण ही हम अरब सागर और हिंद महासागर पर अपना संप्रभुता स्थापित नहीं कर सकते हैं, इसकी निगरानी नहीं कर सकते हैं, इसलिए कराची के पास भी हमको अपना नौसैनिक अड्डा बनाना होगा, इसलिए वो दो द्वीप बुद्धो और बंडल पाकिस्तान से लेने की चेष्टा में, और पाकिस्तान आज उसको गिरवी करने वाला है। ये स्थिति पाकिस्तान की। चीन को और भी समस्या है। अभी तक चीन अपनी जो भी परियोजनाएं चलाता रहा सफल होते रहे। 2014 के बाद परिदृश्य बदल गया, चाहे वो BRI का प्रोजेक्ट हो या जो भी हो। अब जो चीन ने CPEC बनाया, CPEC तो अपनी व्यावसायिक कनेक्टिविटी के लिए बनाया। CPEC का मूल भाग जो है वो POJK और गिलगिट बाल्टिस्तान से होकर जाता है। पिछले बार की दो स्ट्राइकें जो भारत ने पाकिस्तानी आतंकवाद के विरुद्ध की, पिछले बार, चाहे वो पुलवामा की हो या उसके एक पहले की, तो चीन ने देख लिया कि भारत का प्रत्येक तोपों का गोला हमारी CPEC पर ही गिर रहा है। अब जिस CPEC पर, जिस रोड पर, कनेक्टिविटी पर तोपों का गोला भी गिरेगा, उस पर व्यापार कैसे होगा? चीन के सामने ये चिंता है। इसलिए चीन ने एक नया दबाव भारत की सीमा LAC पर बनाया कि आप उस पर गोला न बरसाएं, जिसका हम यहां पर आपको स्थिर करेंगे। LAC पर का जो द्वंद है वो CPEC को सुरक्षित करने का, चीन की 60 बिलियन डॉलर जो CPEC में फंस गया है उसको सुरक्षित करने का। CPEC तो भारत की तोपों के रेंज में, और भारतीय गृह मंत्री दो दो बार संसद के अंदर दहाड़ पर बोल चुके हैं
पीए जो क्या गिलगित बल्तिस्तान जम्मू कश्मीर और लद्दाख का हिस्सा है, भारत का हिस्सा है, पाकिस्तान उसे खाली करे। अभी तक तो चीन को लगता था कि भारत की कोई सरकार इसको खाली नहीं करा सकती है, परंतु प्रदेश से बदल गया है नया भारत। चीन का $60 बिलियन वहां पर फंसता हुआ दिखाई पड़ रहा, इसलिए एलएसी पर उसने एक तनाव रिफ्ट खड़ा किया। ये जो परिस्थितियां हैं, चाहे भारत ने चीन को घेरने के लिए कजाकिस्तान के फारखोर में अपना अड्डा स्थापित किया हो, चाहे वो थाईलैंड के दुबई में किया हो, वो अग्लेखा और जमसन में सेल्सस और मॉरिशस की द्वीपों पर अपना अड्डा बनाया हो, तब उसको लगता है कि हम जो अभी तक कर रहे थे BRI के नाम पर, अब ये नया भारत उन सारी चुनौतियों के स्वीकार करके हमें मुंह तोड़ जवाब दे रहा है। और भारत ने अपने प्रभुत्व सोवरेनिटी फैलाने के लिए नहीं किया, स्वाभाविक सह अस्तित्व सहयोग के लिए किया। इसलिए भारत ने कई तरह की योजनाएं इन देशों में चलाई है, अनेक देशों से सहयोग लेकर। ठीक है कि भारत की स्थिति उतनी अभी आर्थिक सुदृढ़ नहीं है, तो उस एक नेतृत्व अपना देकर अन्य देशों से सहयोग लेकर इन सारी योजनाओं को भारत ने आगे बढ़ाया, चाहे वो योजना जो है ईस्ट कॉरिडोर की हो, ट्राइलेटरल रोड मोरे से लेकर और वियतनाम तक की, कंबोडिया तक की, जिसका एक हिस्सा तो बन ही चुका है, कुछ वर्षों में कंबोडिया पहुंच जाएगा, चाहे वो एशिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर हो, मेकांग गंगा ग्रोथ कॉरिडोर हो, KTM ग्रोथ कॉरिडोर हो, या साउथ नॉर्थ ग्रोथ कॉरिडोर अफगानिस्तान से लेकर ताजिकिस्तान तक, जो कनेक्टिविटी पूरे यूरोप को देगी। तो भारत ने इन चीजों को जो किया है, डेवलप किया है, चीन आज बौखलाहट में, जो उसकी ध्वंस चलती थी वो ध्वंस समाप्त है। तो चीन का ध्वंस का तो एक ही उदाहरण है, 1960 के अंदर चीन ने कहा कि एक कोड ऑफ कंडक्ट है और मैं एक डैश लाइन खींच दिया, ये समुद्र का हिस्सा हमारा है, जनरल अंतरराष्ट्रीय नियमों के अनुसार 200 नॉटिकल माइल्स तक ही किसी देश के तट से 200 नॉटिकल माइल्स ही उसके समुद्र के अधिकार क्षेत्र में रहता है, समुद्र जो है उसके अधिकार क्षेत्र में रहता है। परंतु कहां चीन का हिस्सा और कहां ब्रुनेई, फिलीपींस, 1200 किलोमीटर दूर, और कहा कि एक डैश लाइन है, इसको हम साउथ चीन सागर कहते हैं, और इस साउथ चीन सागर जो है यह हमारा कोड ऑफ कंडक्ट है, ये इस पर हमारा अधिकार है, इसकी सारी संपत्ति, सारी यहां की संपदा मेरी है। आज वियतनाम भी उसकी चुनौती देने के लिए तैयार है, चुनौतियां मिल रही है। क्वाड के, भारत के नेतृत्व में क्वाड के माध्यम से उस चुनौती को स्वीकार किया है। आज क्वाड का युद्धाभ्यास उन क्षेत्रों में चल रहा है। आज भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और US तीनों एक साथ मिलकर उस चुनौती को ले रहे हैं। इसलिए धीरे धीरे अब चीन घिरता जा रहा है। जिस तरह की उसने अंतरराष्ट्रीय स्वच्छंदता का स्वरूप अपना खड़ा किया, उसी तरह वह धीरे धीरे अंतरराष्ट्रीय दबावों के अधीन आ रहा। अभी भारत ने कुछ परियोजनाएं जो हैं
जिस पर चीन ने एकाधिकार किया था। हर एक देश अपने विकास चाहता है, कनेक्टिविटी चाहता है, व्यापार को सुगम बनाना चाहता है। बांग्लादेश का सोनालिया पोर्ट, ये लगभग 10 से 14 बिलियन डॉलर का प्रोजेक्ट था। चीन ने इसको अपने हाथ में लिया था। बांग्लादेश ने स्थिति को, नेपाल जैसा नहीं, बांग्लादेश ने अपनी स्थिति को समझ लिया कि कल हमारी क्या हालत हुई, इसने चीन से बाहर कर दिया सोनालिया पोर्ट को। पायरा पोर्ट जो पहले चीन चाहता था, उसने बांग्लादेश ने भारत को दे दिया डेवलप करने के लिए। मातरवाड़ी, भारत के पास बहुत तो अभी संसाधन नहीं है, तो भारत ने बात करके, सहयोग करके और जापान के माध्यम से मातरबाड़ी को डेवलप करना शुरू किया। तो इस तरह से, उसी तरह इंडोनेशिया का सावांग हो, इसका भी डेवलपमेंट भारत के सहयोग से शुरू किया। तो भारत ने हिंद महासागर, पैसिफिक इंडो में और अरब सागर में चीन को, उनकी बीआरआई को बुरी तरह से घेर लिया है। ये नया भारत अब यही है, क्योंकि पाकिस्तान तो बुरी तरह से फंसा है, परंतु इतना ध्यान है कि जो परंपराएं भारत से जुड़ी है, जो जीवन मूल्य भारत से जुड़ा है, जो संस्कृतियां भारत से जुड़ी है, जो इतिहास भारत से जुड़ा है, सहज रूप में भारत अपने हाथ, सहज रूप में भारत किसी दूसरे के पास नहीं जाने देगा, उसकी सुवर्निटी स्वीकार करते हुए उसको स्थिर बनाएगा। लाख पाकिस्तान कुछ करें, पाकिस्तान की सत्ता करें, वो अपने को लाख गिरवी रख ले, पर चीन एक दिन पाकिस्तान पर कामयाब नहीं होगा। उसकी हालत नागोर्नो काराबाख की हो जाएगी। यदि पाकिस्तान की सत्ता आदि अपने को नहीं सुधार पाई, तो उसकी हालत नागोर्नो काराबाख की हो जाएगी। भारत अपने इतिहास को, अपनी संस्कृति को, अपने जीवन मूल्यों को पतलित नहीं होने देगा। नेपाल के लोगों को भी ये सोचना चाहिए, नेपाल की सत्ता को भी सोचना चाहिए, भ्रम में नहीं रहना चाहिए। ये भारत नया भारत है, वो चीन के गोद में जाकर बैठकर अपनी स्वाभाविकता यदि खोने के लिए तैयार हैं, तो भारत भी निश्चयात्मक रूप से उनकी स्वाभाविकता को रक्षा करने के लिए तैयार रहेगा। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। जय हिंद, सभी को प्रणाम।